सबसे पहले क्या करते हैं कि क्लोज गेट को लाते हैं, उसके बाद उसको लेवल मिलाकर ही नीचे मार्किंग करते हैं, फिर वहाँ होल मारते हैं, होल करके 10 नंबर स्क्वायर बार को मारते हैं, फिर उस पर पटरी को रखते हैं, फिर उस पर वाटर लेवल रखते हैं यानी कि स्पीड लेवल जिसको बोलते हैं, वो लेवल से देखते हैं कि किस साइड से डाउन होगा किस साइड से अप, दोनों साइड से लेवल को एकदम समान रखना है। देखिए जैसे रखा जा रहा है दायां बायां लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड उठाकर भी आपको दिखाया जा रहा है किधर से उठेगा, तो देखिए दाएँ हाथ का ये उठेगा भी, तो यहाँ से थोड़ा ऊँचा करेंगे, एकदम सीधा रखना है ताकि पटरी एकदम सीधा रहे, एकदम क्लब गेट सीधा चले, कोई फॉल्ट नहीं होगा दोस्तों। तो इसके बाद वाले प्रोसेस को मैं दिखला रहा हूँ अब। उसके बाद आपको क्लब गेट को पटरी के ऊपर उठाना है, उसके बाद फिर यहाँ पर स्पीड लेवल से देखना है ऊँचा नीचा दायां बायां एंड अप एंड डाउन देखना है कितना हार्ड कर है कितना हार्ड कर नहीं। उसके बाद आपको एक क्लब गेट के दाएं साइड में अंतिम छोर यानी कि एंड पोजीशन में आप मार्किंग कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट होल कर सकते तो होल कीजिए। तो देखिए अभी मार्किंग किया जाएगा, तो मार्किंग करने के बाद वहाँ 10 नंबर स्क्वायर बार ही टेपर करके ढुकेंगे, फिर से एक बार सुन लीजिए 10 नंबर स्क्वायर बार को टेपर करके ढुकाते हैं, स्ट्रेट नहीं ढुकाएंगे, स्ट्रेट एकमात्र केवल गेट के फिटिंग में ही ढुकाया जाता है और कहीं नहीं। तो दोस्तों जब भी विंडो से लेकर क्लब्स गेट भी हो तो टेपर किया जाएगा, क्लब्स गेट के नीचे जो पटरी वो एकमात्र सीधा ढुकता है नीचे में स्क्वायर बार, उसके लिए ही, और सब टेपर करके ढुकाएंगे। फिर एक बार बोल दे रहा हूँ, ये देखिए मार्किंग किया जा रहा है जैसा कि मैंने बताया, ठीक उसे मार्किंग करेंगे, इससे क्या हो कि मुझे ज़मीन से ऊपर तक का एकदम सीधा मिल गया, वहाँ पर ही छेदा होगा होला होगा या उससे हट कट 10 नंबर स्क्वायर बार के लिए होला होगा। देखिए एकदम ठीक इसी तरह से जैसा मैं कर रहा हूँ, तो अब देखिए यहाँ पर ड्रिल मशीन चलाऊँगा, 10 नंबर स्क्वायर बार ही ढुकाऊँगा, तो 10 नंबर ड्रिल बीट ही चलाता हूँ मैं, 10 में 10 ही ढुकाता हूँ, पर टेपर कर कर फिर एक बार बोल देता हूँ ताकि आपका कोई तकलीफ ना हो काम करने में, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है काम करने में। ऐसी रखेगी हाँ। अरे तो देख दे ना, घुमाते होगा ना रखते होगा आपको, एकदम लेवल मिलाकर फिटिंग करना है, स्पीड लेवल रखते हुए आपको जैसा कि मैंने बताया ठीक उसी तरह से लेवल मिलाते हुए एकदम फिटिंग करना है। इससे क्या क्लब गेट यहाँ बेकार नहीं होगा, एक चक्का नहीं चलता, एक चक्का चलता है, ये सब फॉल्ट इसी कारण होता है आप यदि लेवल नहीं मिलाते तो लेवल मिला कर करें तो चक्का प्रत्येक बराबर चलेगा, दोनों चक्का क्लब गेट में समान चक्का चलेगा, जैसा आप देख रहे एकदम ठीक यही प्रोसेस से आपको काम करना है। लेवल मिलाते हुए फिटिंग, हैंडल में बना के डाल यहीं पर सेटिंग करूंगा टोटल। चैन गेट में कभी भी हैंडल सेटिंग करते तो पहला वाला चैन को छोड़ के दूसरा वाला चैन में करते हैं,
कि मैंने इसके आगे भी आपको बताया लेवल मिलाकर ही वहाँ पर मैं होल करूँगा। तो देखिए दोस्तों वहाँ लेवल मिलाया जा रहा है, लेवल मिलाकर वहाँ होल करके स्क्वायर बार मारूँगा एकदम ठीक जैसा पहला वाला क्लास विकेट को फिटिंग किया वैसे ही करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहाँ पर बहुत बड़ा कटिंग करने वाला हूँ, यहाँ पर जैसे क्लास विकेट को पहला वाला को मैं फिटिंग किया उतना इस वीडियो को मैं दिखा नहीं सकता, ये वीडियो नहीं तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, करीब 20-30 मिनट का वीडियो हो जाएगा। दोस्तों ये स्क्वायर बार ढुकाते ही मैं देखिए आपको दिखाऊँगा तुरंत से ये गेट सेटिंग हो चुका है, वही प्रोसेस से इसको भी फिटिंग करना है जैसे कि पहला वाला फिटिंग किए प्रोसेस बाई लाइन मैंने आपको दिखाया है। देखिए स्क्वायर बार ढुकाने के बाद इस पर पटरी बैठाऊँगा, लेवल मिलाऊँगा जैसे उसको मिला है, पर इस वीडियो को मैं बड़ा ना करना चाहूँ इसलिए तुरंत मैं इसको सेटिंग करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों मैं वीडियो को काट रहा हूँ अब, तो ये देखिए काटने के बाद कितना फट से आया है, अब पटरी में सेटिंग भी हो गया, ऊपर में अब सेटिंग हो रहा है। दोस्तों जब भी क्लब गेट का काम करिए तो पार्टी से फेस फ्रंट क्लियर होना चाहिए, पार्टी का डिमांड होता है फेस फ्रंट क्लियर ही रखिए आप।